नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। हाल ही में आप सबने देखा होगा 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आसाम चीफ मिनिस्टर, साथ ही साथ अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक MOU साइन किया गया था, जो कह सकते हैं लॉन्ग पेंडिंग एक इशू चल रहा था अरुणाचल और आसाम बाउंड्री इशू को लेकर, जिसके चलते काफ़ी सालों से डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, लेकिन लास्ट ईयर 2022 से दोनों ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था और 12 रीजनल कमेटी बनाया गया था, जिसके चलते हर एक रीजन में जाकर उनकी तरफ से मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा था, सर्वे किया जा रहा था। तो फाइनली 20 तारीख को MOU साइन किया गया था, जैसे मैंने बताया। और अभी जैसे आप सब फ्रेम में देख रहे होंगे, दो शख हमारे साथ हैं जो आपसू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बॉर्डर इशू को उनके तरफ से लीड किया जा रहा था। और कौन नहीं जानता है आपसू कई सालों से आसाम अरुणाचल का जो बॉर्डर इशू है उसको लेकर वो काफ़ी एक्टिव थे और उनके तरफ से भी काफ़ी पार्टिसिपेशन किया जा रहा था। तो आज उनसे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि एग्जैक्टली जो MOU साइन किया गया था उनके तरफ से क्या स्टैंड रहेगा ये MOU को लेकर। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप सबका भी बड़ा योगदान है ये जो अरुणाचल आसाम जो डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं आप सबका भी कंट्रीब्यूशन है। फाइनली 20 तारीख को MOU साइन हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे MOU को लेकर, आप सबका क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स अरुणाचल टुडे एंड यू कम हियर टू listen our opinions regarding the border disputes. Recently, in last 20 April, both of the CM have signed an MOU in presence of the Union Home Minister in New Delhi. Actually, I would say this is a good initiative. I don't think this is historic. Historic would be, and then later day would be, we would say we will wait, and later after 6 months, the state, the whole disputed would be conclusive, then we would say it would be a historic and that would be a good letter day. But this time, this is the beginner, good beginner, and I hope that good beginner is always a good result in the last, at the last moment. इसको मेरा first reaction तो यही है कि ये दोनों government को एक तरफ से congratulate करें कि ये जो good initiative है यहाँ से beginning होता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इतना साल से लॉन्ग पेंडिंग से हम लोग का रहा, तो इसमें दोनों का इनिशिएटिव में अभी यूनियन मिनिस्टर का इंटरवेंशन दोनों का अभी होने जा रहा है। और वेल ये भी यही है कि ये इसका लॉन्ग हिस्ट्री है, अगर आप मुझे बाद में पूछेंगे मैं उनको बता दूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कम्प्लीटली गाइडलाइंस में होता है कि स्टेट का बॉर्डर जो अल्ट्रेशन करना या न्यू यूनियन टेरिटोरी करना, ये हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में क्लियर कर लिखा है, जो स्टेट का जो डिस्प्यूट होता है तो उसको स्टेट लेवल में ही उसको ये करेगा, उसको हम लोग जो इनके सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन लास्ट में लेटर में पार्लियामेंट से मतलब इसको एडप्ट करना है कि कहाँ से एग्जैक्टली अल्ट्रेशन करना है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास है, तो इंटरनेशनल बोलो या नेशनल लेवल बोलो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसको हम अभी यही कहना चाहूँगी कि अभी जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी गुड इनिशिएटिव है, उसका भी गुड अच्छा कंट्रीब्यूशन, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसी का इनिशिएटिव से, उसी का डायरेक्शन से रीजनल कमिटी फॉर्म करके अभी स्टेट का इतना लॉन्ग पेंडिंग को अभी शुरुआत तो किया है, ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ है, उसके बाद में और कुछ कुछ जगह है और बहुत सारा करने का अभी बाकी है। 6 महीना में टाइम दिया है और वो 6 महीना के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फिंगर क्रॉस करते हैं कि उसमें ऐसा ही अच्छा रिजल्ट आओ, लेकिन यहाँ में और कुछ लकुना है तो उसको आप ये करेंगे तो मैं उसको डिटेल बात करूँगा। और साथ ही जिसे आउट ऑफ 123 रिमेनिंग रह गया था जो बस्तियां जहां पे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें भी मेंशन किया गया है कि आउट ऑफ 71 एक अरुणाचल में रहेगा और जो 10 गांव है वो आसाम में ही रहने वाला है, रिमेनिंग 60 अरुणाचल में आने वाला है। तो अभी MOU साइन, आप भी कह रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव, हम भी कहना चाहेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट साथ, दोनों स्टेट के गवर्नमेंट स्पेशली दोनों स्टेट के CM की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन हमने देखा है कि बार बार दोनों स्टेट के CM तो बात करते हैं, कमिटी बात करती है, लेकिन ग्राउंड में जब देखते हैं तो दोनों ही स्टेट के गांव के लोगों के बीच में डिस्प्यूट चलता है। कह लीजिए नॉट ओनली इन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट और आसाम, कमले डिस्ट्रिक्ट के साथ में फिर आसाम, इस तरीके का चलता है। जब लास्ट ईयर को भी जब बातें शुरू हो चुका था कन्वर्जेशन, क्या लगता है कि अभी MOU साइन होने के बाद में जो लोग बॉर्डर एरिया शेयर कर रहे, बाउंड्री जो शेयर कर रहे, उनके बीच में क्या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये MOU को लेकर? ये प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में आपने पूछा कि ग्राउंड लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है और अपर लेवल में करना, उसका पेपर वर्क करना, वो थोड़ा डिफरेंसेस होता है।
तो ये चीज़ को हम लोग देखने के लिए आपसू जो बॉर्डर टीम से हम लोग लास्ट अगस्त को हम लोग 21 डेज का टूरिंग किया कम्प्लीटली 12 डिस्ट्रिक्ट राइट फ्रॉम द बालोकपोंग बाराकुंड एंड कमिंग बारी देन आफ्टर पाके केसंग से होकर हम लोग लास्ट कामकुरुसा हासेरुसा जहाँ लोंगडिंग का कानुबारी डिस्ट्रिक्ट है कानुबारी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ तक हम लोग ये हम लोग जितने एवरी जो डिस्प्यूटेड एरिया है हम लोग प्रैक्टिकली सीरीज ऑफ मीटिंग भी बैठा और ये मेरा मेम्बर है उनके उसके बाद और भी मेरा मेम्बर्स हम टीम मीडिया लेकर भी गया था तो उसमें कहीं सारा का हम लोग का दिखाई दिया है उसमें ग्राउंड रियलिटी में ऐसा जो ऊपर में आदमी लोग करता है देखता है वो अलग है और लेकिन इसमें अभी जो सेटिस्फेक्शन का अगर बात करें पीपल्स जो वहाँ का जो ड्वेलर्स है पार्टिकुलरली जो बॉर्डर एरिया में ड्वेलर्स है अरुणाचल साइड से असम साइड का तो अरुणाचल में कोई बैठने वाला नहीं है फिलहाल अभी तक हम लोग जितना देखा नहीं है लेकिन हम लोग का अरुणाचल जो है असम में बैठा हुआ है लेकिन वो इनपेट आप देखने से उसमें गूगल मैप का असम का हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का हिसाब से लगता है कि हमारा आदमी वहाँ बैठा हुआ है एक्चुअली नहीं बैठा है हम लोग उस समय से जब से सेंस प्री कॉलोनियल फ्रेज से हम लोग का आदमी वहाँ रहा लेकिन बाद में उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन अपग्रेडेशन करके इंटीग्रेट करते करते करके उन लोग का आगे एडवांसमेंट हो गया तो हम लोग का थोड़ा रीजनल एरिया मतलब थोड़ा कंट्री साइड होने के कारण हम लोग का रोड अप्रोचेबल नहीं है ऐसा होकर उन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ होते गया तो ऐसा करके उन लोग जो है कि हम लोग का जो अरुणाचल का जो इनहेबिटेंट्स है प्री कॉलोनियल पीरियड से या तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग का आदमी वहाँ बैठा तो बैठने वाला अपना जगह बैठा लेकिन उन लोग का वही है कि उन लोग वहाँ से मूव ऑन नहीं किया अपना जगह को जो अपना हेरिटेज लैंड है उन लोग क्लाइम का वही बैठा है लेकिन सिचुएशन जो है कि टाइम का साथ में हमेशा हर चीज़ जो बदल जाता है जब डेवलपमेंट ऐसा बदल जाता है कि तो उसमें रैपिड डेवलपमेंट होने लग जाता है तो मतलब जो पहले होता है ईटानगर हम लोग जब पहले देखा था वो नहीं आज अलग है तो वहाँ में भी ऐसा ही टाइप का कुछ एक्सपीरियंस मिला है लेकिन और पार्टिकुलरली अभी कल परसों का जो MOU है उसमें कैटेगरी 3 में लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलरली एक है मेरा आदि ताको एंड देन रूती है फिर मिंगमंग है उसका लोअर बारीजान है वहाँ में 4 बस्ती है और 4 बस्ती को हमने टोटली कम्प्लीटली वहाँ में मीटिंग भी साथ में बैठा और वहाँ डिस्कस किया और डिस्कस करके ऐसा देखा है कि सच यहाँ में जो कमेंट है जो गवर्नमेंट का MOU में कमेंट है तो हम लोग का आदमी को ही उन लोग असम का लोग इनसर्कल करके बैठा इसमें कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहे कि हम लोग का आदमी कम्प्लीटली ब्लंडर मिस्टेक किया नहीं ब्लंडर नहीं है उन लोग जो ह्यूमिनिटेरियन ग्राउंड में आपस में जब उसमें एलिफेंट्स वगैरह होते हैं एनिमल वाइल्ड एलिमेंट से उन लोग का थोड़ा मतलब डेंजर से उन लोग खुद को सेफ्टी ये प्रिकॉशन लेने के लिए उन लोग फ्रेंडशिप का हिसाब से आदमी को इन्वाइट किया वहाँ बैठने दिया बाद में होते होते उन लोग इसको एडवांटेज लेके मतलब उन लोग का आदमी में मतलब पॉपुलेशन ही मतलब हम लोग का आदमी को सराउंडेड हो गया तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब से असम में उन लोग टैक्स पे करता है उसके बाद असम का जो बेनिफिट्स है उसको उन लोग लेने लग गया तो लेने लगे तो अभी चाहे ऐसा नामसाई डिक्लेरेशन में ऐसा था कि मैंने पीपुल्स विल शुड बी कंसिडर्ड रेस्पेक्ट एंड स्टेटस को जब 2007 का जो मुखर्जी का जस्टिस मुखर्जी का तारुण मुखर्जी का चटर्जी का उसका रिकमेंडेशन का हिसाब से भी हमको लेना है उसके बाद 1980 का ये हाई पावर ट्रिपार्टाइट कमेटी का जो उस समय का जो वाला उसको भी हम लोग को कंसिडर करना है और 1951 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है उसको छोड़ के और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर हम लोग को देखना है तो ऐसा करके यहाँ पे बोला तो रियलिटी तो वही है कि जो अभी जमीन है उसको अपना जो रेस्पेक्टिव MLAs है और रीजनल कमेटी का जो चेयरमैन है उन लोग भी सीरीज ऑफ मीटिंग बैठा है हम लोग भी उसको फॉलो किया मॉनिटरिंग किया आपसू एज आपसू इज नॉट ए लेजिस्लेचर या ऑफकोर्स वी आर प्रेशर ग्रुप वे द वॉइस टू अनरीच द रीच उसके लिए हम लोग वॉइस उठाता है लेकिन उसमें हम लोग ग्राउंड में देखा है तो उन लोग का कहीं कोई 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 मतलब इमोशनली इसमें ये है अभी खुद को मतलब डिप्राइव फील कर रहा होगा और कोई कोई तो इसमें खुद एक्सेप्टेंस है और रेस्पेक्टिव MLA का कहना है कि आदमी का वहाँ का पीपुल्स विल को ही हम लोग को जाना है तो वहाँ का पीपुल ही खुद सिग्नेचर किया हुआ है कि हम यहाँ रहेंगे असम का ही है ये असम रीजनल जो है एक जियोग्राफिकल का वजह से मतलब समटाइम्स ऐसा डिफिकल्टी होता है कि हमको लाइन खींचने में लाइन ड्रॉ करने में तो उसमें उन लोग कंसिडर करके उसमें मैक्सिमम आदमी का कंसेंसस को उन लोग लिया है तो लेकर उन लोग मतलब धीरे धीरे ये अभी का हाल में तो एट प्रेजेंट उन लोग को अभी बहुत हार्डशिप लगेगा लेकिन धीरे धीरे टाइम हील्स करता है उन लोग उसमें किस टाइप का कंसिडर करना चाहिए वो उन लोग को करना है लेकिन वो एज उन लोग का पार्टिकुलर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ में क्या देखना चाहिए जो पीपल्स का वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि आदमी को वहाँ में किसी को भी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए
आप किसी को जस्टिस दिलाने के लिए किसी को इनजस्टिस करना, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ द गुड गवर्नेंस, वो गवर्नेंस नहीं होता है। सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ विकास होना है, ये एक अभी का प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट का एक स्लोगन है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपसू का तरफ से जो अभी यहाँ में विलेज ऑलरेडी असम में डिक्लेयर किया गया है, ये असम में रह जाना है, लाइक आदि ताको हो गया, आपका मिंगमंग है, लोअर बारिजन है, रूती है और कहीं कहीं में होगा, तो ये लोग को मेरा ये कहना है कि उन लोग को एक रीसेटलमेंट दे दीजिए। ऐसा असम अभी लूप होल सिस्टम कर रहा है, तो लूप होल सिस्टम में आपका जहाँ अरुणाचल साइड में जमीन हो रहा है तो उसको काट करके वो लोग का आदमी को तो रीसेटलमेंट करवा दीजिए। उन लोग कब तक आपका जमीन में रहेगा? चलो आपको टैक्स पे करे, लेकिन पीपल्स आर अरुणाचली देयर एसटी अंडर प्रिविलेज अंडर अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट देयर, बट दे डिडंट एनी टेक, दे डिडंट टेक एनी काइंड ऑफ स्पेशल गवर्नमेंट प्रोविजन फ्रॉम द असम, दे आर कंप्लीटली दे आर हैविंग अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रिविलाइजेशन, एंड उन लोग को अभी रीसेटलमेंट देना चाहिए। ये आपसू का स्टैंड है, ये नहीं बोलता है कि आपसू आपका अगेंस्ट अगेंस्ट में नहीं है, वी आर विथ यू, हमको जितना इम्पोर्ट मिलेगा इनपुट्स मिलेगा आपको मैं दे रहा हूँ, और आपसे जितना इनपुट से वो हम ले रहे हैं, उसके बाद में बस्ती लेवल में भी हम लोग अवेयरनेस किया है, आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या एक्सचेंज करना चाहिए, मतलब आपसे कुछ ले रहा है तो हमसे भी कुछ देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देते रहेगा या तो हम सिर्फ लेते रहेगा, ये नहीं होना है, उसमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जो नेचुरल जस्टिस है, वो चीज़ को मेंटेन करना है। और मेरा स्ट्रॉन्गली अपील है कि गवर्नमेंट से वो जो अभी इफेक्टेड जो ये विलेज है उसको चलो आप कंसिडरेशन गवर्नमेंट लेवल से आप करना कर लीजिए, लेकिन उसको रीसेटलमेंट कर दीजिए, ये आपसू का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और कल को भी करते रहेगा, और वहाँ हम लोग जाके भी ग्राउंड में और जाके भी हम लोग मिलने जा रहे हैं उन लोगों गवर्नमेंट से, असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट, आप वंस फॉर ऑल यहाँ में इतना लॉन्ग पेंडिंग को आप सॉल्यूशन ला ही रहा है, एमओयू आप बना चुका है, उसके बाद में और कुछ महीना 6 महीना का टाइम दिया बचा हुआ है। मेरा अपील है और आपसू का तरफ से अपील है कि मेरा प्रेसिडेंट जी एस का उन बिहाफ से हम लोग का अपील है कि आप यहाँ में चंगलंग को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, तो चंगलंग को हाँ चलो मानता है कि 2007 जो जस्टिस और चटर्जी का वहाँ से भी यहाँ में एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन वहाँ में पहुँच नहीं पाया क्योंकि सम रीजन था कि मतलब वो या ये मॉनसून सीजन था, तो उसमें रीचेबल ऐसा नहीं था कि इतना अच्छा से नहीं पहुँच पाया। वहाँ में 333 स्क्वायर किलोमीटर का कुछ है, तो इसको अभी कम्प्लीटली एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। और चंगलंग एरिया में तंगसास का 36 विलेजेस है, तो वो असम का अंदर में पड़ता है, तो हम लोग वहाँ में फिजिकल हम लोग उसमें विजिट किया है, 36 में से आउट ऑफ 36 में से 30 जो है असम में बैठ जाएगा, लेकिन 6 विलेजेस जो है वो अरुणाचल में वापस आना चाहता है। सिंस योर डिक्री और नामसाई डिक्लेरेशन यू हैव सेड दैट पीपल्स विल शुड बी कंसिडर्ड एज पर पीपल कंसिडरेशन पीपल विल्स द 6 विलेजेस ऑफ द चंगलंग डिस्ट्रिक्ट दे आर विश टू जॉइन in Arunachal territory. In fact, we are also visiting Mankomwara nearby Jairampur, Gabriel the Lesam Semai constituency. Wahan pe abhi wo log Assam se kuch benefits nahi milta. They didn't get any benefits from the Assam. They had their own purposes. They didn't get Arunachal benefits also. But yes, of course, this is a fact that their ST birthday, their everything is obtained from the Arunachal Pradesh in Chenglang district, particularly in Jairampur administrative circles. And still there is no anywhere. There is Tirab River is crossing the villages. And we went there in a boat. Abhi tak koi bridge nahi hai, na koi road hai. उन लोग समर में उन लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, जस्ट जयरामपुर का सामने आधा किलोमीटर ही है, और वो मंकम ये जो है वो आना चाहता है। चलो इसको भी एक बार देखिए, और चंगलंग को यहाँ में हम वही है कि चंगलंग डिस्ट्रिक्ट को प्लीज वंस फॉर ऑल इसको भी यहाँ में क्लियर कर दीजिए, और कहाँ कहाँ से बाउंड्री डिमार्केशन करना है, वो पीपल से भी हम लोग वहाँ का जो तिरप चंगलंग पीपल्स फोरम उन लोग से भी बात किया है, उन लोग भी वही चाहता है कि उन लोग को भी खत्म कर दो वंस फॉर ऑल। तो उसमें कुछ चीज़ को है कि लेंथ का पार्टिकुलरली बोलने से उसमें भी गिव इन टेक है, तो चलो हमसे भी ज़्यादा लेना है ले लो, या आप दिल भरा हो के हमको भी देना है दे दो, तो इसको भी ख़त्म कर देने से ठीक है। ये आपसू की तरफ से अपील है, ऑन बिहाफ ऑफ चंगलंग पीपुल्स का तरफ से भी ये आपसू का ये है रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को दोनों अभी जो रीजनल गवर्नमेंट है जो भी है वहाँ का रीजनल कमिटी का हेड है आपका कमलोंग मोसंग, और कमलोंग मोसंग सर को भी आपको भी पार्टिकुलरली रिक्वेस्ट करता है, और वहाँ का जितना भी एमएलए है जैसे कि आपको कमलोंग मोसंग हो गया,
आपका मनसाई हो गया, रेशम सिमाई हो गया, और भी है तेसम पुंगटे है, और भी वहाँ में बहुत सारा MLA है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल का एक सबसे ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में अगर MLA है तो वही में ही है। तो आप सब कलेक्टिवली मिलकर अपना काउंटर पार्ट को मिलकर अपना से स्टार्ट कीजिए, चांगलांग को भी यहाँ में इंक्लूड करके वंस फॉर ऑल ये 6 मंथ का अंदर में चांगलांग को भी ख़त्म कर दीजिए। ये हमारा आपसू का तरफ से, मेरा आपसू का प्रेसिडेंट GS का तरफ से और हम सब अरुणाचल का तरफ से ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है। थैंक यू। आपने जो बात कहा है ड्यूरिंग 20 अप्रैल जब MOU साइन होने के अंदर जो आसाम चीफ मिनिस्टर, उनका भी वही कहना था गिव एंड टेक तो होना ही पड़ेगा, और बार बार अगर हम नहीं देंगे या हम नहीं लेंगे इस तरह का होगा तो कभी ये जो डिस्प्यूट है सोल्व नहीं होगा, जो आपने भी जो मैंशन किया। तो अभी जाते जाते क्योंकि आप लीड कर रहे हैं आपसू के ये स्पेशली ये बॉर्डर इशू को लेकर, आप जैसे आपने तो कह दिया है कि जो अफेक्टेड है उनको रीसेटलमेंट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि और 6 महीने का ड्यूरेशन रखा है, जिस अभी ऊपर ही हम देखें तो सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन अभी इंटीरियर जैसे ग्राउंड लेवल में बात करें काफ़ी डिस्कशन अभी भी बोला जाए तो डिस्कस करना बाकी है। तो एज अ आपसू एपेक्स स्टूडेंट बॉडी ऑफ स्टेट, आप कुछ अपील या फिर कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही साथ जो आसाम गवर्नमेंट को? ये अभी वो 6 महीना का टाइम दिया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उसका अंदर में जितना भी डिस्प्यूटेड है उसको अनडिस्प्यूटेड करना है। और आपसू का भी स्टैंड है कि ये लॉन्ग पेंडिंग जो डिस्प्यूट को कंसेंसस को इसको वंस फॉर ऑल इसको डिस्प्यूट को सेटल करना है। ऐसा होना है कि हम लोग को रीजनल जो ये होता है कल्चर होता है एथिक्स होता है, हम लोग का एथनिक ग्रुप होता है, तो हम लोग का बाउंड्री लेवल में हम भी छोटा से बैठ कर आए, हम लोग कल्चरली हम लोग एक्सचेंज करके रहता है। असल में बिहू में हम जाते हैं, हम लोग का न्योकुम में आता है और वहाँ में और कुछ बिहू बहुत सारा का है और हमारा यहाँ में बहुत सारा, हम कल्चरली एक्सचेंज करके हम ब्रदरहुडली हम जीता है, तो हम कोई एलियन नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो पोलिटिको जोग्राफिकल एक रीजन होता है, समटाइम्स लेदर का अंदर में पॉलिटिक्स में उन लोग अपना बेनिफिट्स के लिए इसको इशू उठा लेता है, तो वो चीज़ को यहाँ में ताकि नहीं होना चाहिए। और इंडियंस से वी आर द इंडियंस, तो वो लेवल में देख के हम लोग को ये चीज़ को मतलब वंस फॉर ऑल सेटल करना है। उसके बाद हम लोग को पीस हारमोनी या में ब्रदरहुडली हम लोग को रह के जो भी है हम लोग का ट्रेड सिस्टम है, बिजनेस है, एक्सचेंज है, तो ये चीज़ को हम लोग को मिल के चलने के लिए हमको अभी वंस फॉर ऑल हमको सेटलमेंट चाहिए। और रहा अभी और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है और अभी कैटेगरीज हुई से और कैटेगरी 3 वाला भी है, 2 वाला भी है, पार्टिकुलरली जहाँ में अभी डिमार्केशन होना है, जैसा नामसाई डिक्लेरेशन में हुआ कि एक एग्जांपल ले लीजिए, अपर जुमी को बांडर देवा को नो इश्यूज देयर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन वहाँ भी अभी तक ग्राउंड लेवल में ये पार्टिकुलर एरिया से यहाँ से डिमार्केट करेगा वो नहीं है। इसमें असम का एक पोल फ्ले है, स्टिल वो लोग उसको नामसाई डिक्लेरेशन अभी 1 साल ज़्यादा हो गया, उसके बाद भी उन लोग क्या कर रहे हैं कि अभी गूगल जो उन लोग का अपडेट होता है, डेली अपडेट होता है, वो एरिया को फिर उन लोग का अंदर में दिखा कर रखता है। ये असम का एक पोल फ्ले है, इसलिए असम का गवर्नमेंट को अंदर लीडरशिप मतलब हेमंत बिस्व शर्मा उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये चीज़ को अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर से जो कंसर्न जो ये यूज ये गूगल्स को जो ऑपरेट करता है, आप भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वंस जो हो गया वो चीज़ को जहाँ एक्चुअली होना है वो गूगल को भी वो शो करें। अदरवाइज ऐसा नहीं होना कि आप ही गूगल को यूज़ करता है, हम उन्हें करता है, तो हम चाइना इंडिया का जैसा हम ऐसा आपस में दिखाते रहेगा कि डिस्प्यूट दिखा जाएगा, तो जो डिस्प्यूट खत्म हुआ है खत्म वाला को खत्म ही करना है, तो गूगल में आप ऊपर में दिखा कर ये चीज़ मतलब बैक बाइटिंग चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ को हम ऑनेस्टली ऐसा रिक्वेस्ट करता है हेमंत बिस्व शर्मा को और पेमा खांडू जी को भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट वो चीज़ को अच्छा से जब मीटिंग होता है आप मीटिंग को अच्छा से उसमें कंडूसिवली आप डिस्कस कीजिए। ऐसा होना है कि मतलब इसमें वेलफेयर स्टेट में अपना पेडल है हम लोग, तो पेडल में आपका स्टेट है मेरा स्टेट है, स्टेट स्टेट का अपना भी सब्जेक्ट है, और ये बॉर्डर का डिस्प्यूट बोलने से तो पहले मैंने बताया आर्टिकल 3 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, लेकिन पॉलिटिकल विल आप दोनों से ही शुरू होना है। हम लोग एज ए लेमैन हम लोग एज ए ग्राउंड में हम लोग भी जितना हम लोग सकेगा जो ग्राउंड का चीज़ को एज ए इंटेलेक्चुअल अगर कुछ हम लोग के पास में दिमाग है तो कुछ बहुत तो अगर समझदार है तो हम लोग भी विलेज लेवल को हम लोग भी अंडरस्टैंडिंग में उन लोगों का हम अवेयरनेस देगा। लेकिन इसको आप लोग फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट जो है कि इसको फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट पॉलिटिक्स लेवल में लेकर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ह्यूमनिट्रन ग्रेन में जाइए, आप बींग ए ह्यूमन उस हिसाब में जाइए, यहाँ में कोई भी परमानेंट नहीं है, नो वन इज परमानेंट इन दिस आर्थ,
जमीन हमेशा परमानेंट रहेगा, लेकिन उसको छेड़खानी मत नहीं करना चाहिए, टेम्परिंग आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो अभी पार्टिकुलर विलेज जो अभी डिस्ट्रिक्ट कुछ बचा है, जैसे लाइक ले लो एग्जांपल पाकुमपारे, पाकुमपारे में एक दीर्घा दिपला है, ये उस साइड में कमीन पाकुमपारे 14 में कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, लास्ट विलेज है इसका। तो दीर्घा दिपला को तो हम कंसिडर करता है कि चलो आपको दे दूंगा, लेकिन आप उसके बदले में जैसे गिव एंड टेक पॉलिसी है तो आप उसको फिर जैसे मैंने आगे कहा सेटलमेंट कहीं पे कर देना चाहिए, आदमी इतना भी नहीं है। उसके बाद पाहुम पारे में और कहीं जगह में भी ऐसा कंसिडरेशन करने जगह ही नहीं है। जो हम लोग का आदमी डिमांड है वो कंप्लीटली स्टैंड है। हम लोग अभी वो राजगढ़ अली को मेंटेन नहीं किया। राजगढ़ अली कब से शुरू हुआ? राजगढ़ अली प्रताप सिन्हा का समय से शुरू हुआ, ये प्री ब्रिटिश प्री कॉलोनियल समय से शुरू हुआ है। हम जब पुसा सिस्टम लेना शुरू किया तब से हम राजगढ़ अली को मेंटेन किया है कि हिल्स पीपल एंड असम पीपल। उस समय में गोहेन कमल अली था जो प्रताप सिन्हा का जो लीडरशिप का मतलब मिलिट्री चीफ था, उसी का समय से हम लोग शुरू किया। और पफम परे बोलो या इंटर अरुणाचल बोलो, हम लोग का भी राजगढ़ अली को कम्प्लीटली हम लोग क्लेम नहीं कर दिया। हम लोग भी एज जैसा डेवलपमेंट ग्रोथ होते गया हम लोग भी उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करके चला, लेकिन ये चीज़ को असम भी एडमेंट नहीं रहना है। 1951 का जो गोपीनाथ बोर्दोलोई का रिकमेंडेशन को उसको तो हम नल एंड वैध कर देता है, उसमें आर्बिट्री है वो जो वो सिंगल हैंडेडली वो डिसीजन लिया, हम लोग का नेपाल से कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कम्प्लीटली नल एंड वैध बनता। लेकिन उसके बाद में सीरीज ऑफ वहाँ में मीटिंग गया, मीटिंग जाकर हाई पावर ट्रिपार्टाइट कमिटी हो गया, तारुण चटर्जी आ गया, तो ये सब आने के बाद में हम इसको थोड़ा कंसिडरेशन करता है। जहाँ में एज इज वेज बेसिस जो हम जहाँ कल्टिवेट करता है उसको हमको देना है। और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट, इज इन कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो इसको अरुणाचल में रहो तो अरुणाचल का फॉरेस्ट में होगा, आपका असम में रहेगा आपका असम का होगा। ये थोड़ी ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये कंकरेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना क्या करना ये हमारा काम है। ये फॉरेस्ट है वो रेंज फॉरेस्ट एरिया मतलब ये डिक्लेयर करके असम ले लेगा, ये बात नहीं है। ये कहाँ का जस्टिस है? ये जस्टिस नहीं है। इसलिए इसको इक्वली गिव इन टेक पॉलिसी अगर करना है इसको इक्वली देखना है। और एक बात है, पार ईस्ट का जो ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कांकू रोसा, हासे रोसा और तुंगम रोसा, ये तीनों विलेज को यहाँ में कैटेगरी 3 में रखा है। और हम वहाँ में फिजिकली विजिट करने गया, वहाँ में बेस्ट लेस है ये लोग का डिमांड करना, मतलब वो विलेज को उन लोगों का डिमांड करना, ये बेस्ट लेस है। सिंस टाइम इमोरियल वहाँ का जो MLA है गब्रिल देवंश उसका घर में भी हम लोग गया तो वहाँ देखा तो वो तो उसका जमीन है, इतना सालों से जमीन है, तो उसको उन लोग बेसलेस में क्लेम करना ये राइट नहीं है। इसलिए मैं असम गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्गली अपील करता है कि ये चीज़ को इतना मत आर्बिट्री मतलब इतना दिखते थे डेकोनेट टाइम में ऐसा ये चीज़ को नहीं करने से ठीक है। चलो CM में नहीं होगा लेकिन जो उसका अंदर में नीचे में जो सबोर्डिनेट ऑफिसर्स लोग होता है MLAs लोग होता है अपना जो बेनिफिट्स के लिए वो करता है, ये चीज़ को नहीं करना चाहिए। ह्यूमिनिटेरियन सबसे पहले यहाँ में ह्यूमिनिटी को देखिए, ह्यूमिनिटी सबसे बड़ा है। आपका पॉलिटिक्स तो आज है कल नहीं है, पावर में आप आज है कल कोई नहीं होगा, ये कोई परमानेंट नहीं है। पॉलिटिक्स चलते रहेगा किसी लीडरशिप का अंदर में चलते रहेगा, लेकिन हम ह्यूमन बींग जो है हमेशा ये परमानेंट है। लेकिन हम मर जाने के बाद वो अलग बात है, लेकिन हम हमेशा हमको जीना है, हमको मिलकर रहना है। और अभी वही है कि जितना भी वहाँ से कमिंग बारी से लेकर आपका कांकुर रोसा आसे रोसा तक का जितना भी अभी फिर बचा हुआ है और जो 6 मंथ का आप टाइम लिया है इसको आप जुडिशियसली आप देखिए, इसमें आप लॉजिस्टिक रिजल्ट लेकर आइए और पीपुल कंसर्न को आप लेकर आइए। जैसा आपका नमसाई डिक्लेरेशन में है कि पीपुल्स विल, आप वो लेकर आइए। वो लेकर आने के बाद में जो भी डिसीजन होगा हम आपसे वेलकम करेगा, हम सिर्फ आपसे वेलकम नहीं करेगा, इंटर स्टेट पीपुल्स जो यहाँ का नेटिजन वो वेलकम करेगा और असम भी वेलकम करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं अच्छा फील करेगा कि हाँ हम वहाँ का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एंड मेन कंसंट्रेट सिर्फ अभी होगा कि मेरा इंटरनेशनल लेवल में जो चाइना हमको अक्सर क्लेम करता है, रिसेंटली भी उन्होंने नाम भी बदला है, तो ये चीज़ को हम मिलकर उसमें लड़ेगा। तो यहाँ में स्टेट का अंदर में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको यहाँ में भाईचारा निभाना है, हमको ब्रदरली हमको मेंटेन करना है, हमको यहाँ क्या बाहर से हमको लड़ना है, हम क्या अपना में लड़ते क्या ना मिलेगा। तो इसलिए वही है कि दोनों गवर्नमेंट को अभी जो भी बचा है उसको जुडिशियसली आप लोग उसको लॉजिस्टिक सोल्यूशन लेकर आइए, हम लोग वेलकम है और हम लोग जितना सकेगा अभी हम भी इनपुट आपको देगा। मेरे पास में इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, डाटा है, ब्रिटिश
लाइब्रेरी से भी मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, तो इसको मैं अभी सिनॉप्सिस की तरह इसको मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाद में कुछ समय 6 महीना नहीं होने से पहले प्रिपेयर करके पूरा पब्लिक का साथ मेरा ये जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और एवरी जो रीजनल कमिटी है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और आपसे ऑफिस में भी रखेगा, और पब्लिक जो भी चाहिए हम लोग से सब कॉपी में भी ले सकता है, और हार्ड कॉपी में तो हम सबको नहीं दे पाएगा। सिंस 1836 से या तो उससे पहले का भी बहुत सारा मेरे पास में डेटा है, तो वो चीज़ को मैं प्रिपेयर करके बाद में दूंगा, और जो कलेक्ट करने वाले वो बाद में कीजिए, उसको हम लोग अच्छा से अभी करेंगे, और अभी तक जितना भी अपडेट है उसको भी अच्छा से हम कलेक्टिवली हम अभी कंपाइलेशन कर रहे हैं कि वंस फॉर ऑल इसका क्या हुआ है, प्रोस एंड कंस क्या है, उसका बाद में कौन कौन इसमें योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो चीज़ को पूरा यहाँ सारा करके मैं बाद में एक दो महीना का अंदर में इसको दे दूंगा। जी नाना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई गेस आप बहुत ही डीपली आपने स्टडी किया होगा ये जो दोनों स्टेट का जो इशू, बॉर्डर इशू चल रहा है, आपके बातों से चल लग रहा है। एंड जाते जाते हमारा भी ये कहना होगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं, 50 साल से भी ज़्यादा जो ये आसाम अरुणाचल बाउंड्री इशू जो चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव किया और 20 तारीख को एक MOU साइन हुआ, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीना दिया गया दोनों स्टेट गवर्नमेंट को, CM को, कि जो थोड़ा बहुत गाँव का जो डिस्प्यूट बचा है उसे सॉर्ट आउट एमिकेबली आउट किया जाए। तो देखना यह होगा वंस इन ऑल अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो बॉर्डर इशू है, जो बाउंड्री इशू है, वो कब खत्म होता है।